फैमिली को साथ लेकर चलने का प्लान शुरू से चल रहा था। एक आखिरी बार जान बाजी पर लगा थे। सभी लोग सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म को रिलीज होने में कुछ दिन बाकी है और बहुत ही जल्द में फिल्म का ट्रेलर भी देखने को मिलने वाला है। अभी फिल्म के गाने रिलीज हुए हैं जिन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और इन गानों में सलमान खान के लुक को सभी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी सभी लोगों को काफी पसंद आ रही है। सलमान खान की ये फिल्म एक काफी बड़ी फिल्म है, इसीलिए लोगों के बीच इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट काफी बड़ी हो गई है। सलमान खान के साथ साथ इस फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में हमें लीड रोल में सलमान खान ही देखने को मिलेंगे और उनके साथ साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश देखने को मिलेंगे। और सुनने को तो ये भी मिल रहा है इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण का कैमियो भी है, इसलिए इस फिल्म के लिए लोगों में एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बात करें विलन की तो फिल्म में विलन का रोल खतरनाक एक्टर जगपति बाबू करने वाले हैं और फिल्म में हीरोइन के रोल में हमें साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस पूजा हेगड़े देखने को मिलने वाली है। इतनी बड़ी कास्टिंग के साथ ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। सलमान खान की इस फिल्म के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखना तो ये होगा कि ये फिल्म शाहरुख खान की पठान फिल्म के जितनी कमाई कर भी पाती है या नहीं, क्योंकि पठान फिल्म ने बहुत जल्द बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। और अब देखना ये होगा कि सलमान खान की ये फिल्म क्या कमाल करती है। और इसी साल में सलमान खान की टाइगर 3 भी देखने को मिलेगी और किसी का भाई किसी की जान फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही महीने बाद हमें टाइगर 3 फिल्म देखने को मिल जाएगी। बात करें किसी का भाई किसी की जान फिल्म के रिलीज डेट की तो ये सलमान खान की फिल्म है, तो इस फिल्म को ईद के मौके पर ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को 21 अप्रैल 2023 में ईद के मौके पर पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। फिल्म की स्टोरी को लेकर भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, पर अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म की स्टोरी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। पर इस फिल्म की स्टोरी बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर और राइटर साजिद नाडियाडवाला ने लिखा है। अब देखना तो ये होगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। बहुत जल्द फिल्म का ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद हमें फिल्म की स्टोरी को लेकर काफी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, जिसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी। फिल्म का बजट भी बड़ा है, जिसको देखकर लग रहा है कि फिल्म एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि सलमान खान की इस फिल्म का बजट 300 करोड़ का है। अब देखना तो ये होगा कि ये फिल्म कमाल क्या करती है, क्या ये फिल्म 500 करोड़ की कमाई कर पाएगी। पर जिस तरह से लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि जल्दी 500 करोड़ की कमाई भी कर लेगी। और दूसरा, फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा तो फिल्म के लिए ये भी एक एडवांटेज है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।